Welcome back, students. As you know that we are discussing about chapter number 3, fiber to fabric. Clear? And in our last class we had discussed about cotton. Last class mein hum logon ne cotton ke bare mein padha tha. Clear beta? So today I am going to tell you about some natural fibers obtained from animals. Clear? हम लोग सभी लोग जानते हैं कि नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल्स से मिलते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे उन फाइबर्स की जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है जो उसमें हमारा, वी टॉक अबाउट वूल. तो बेटा वूल की बात करें तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हेयर्स ऑफ शिप एंड अदर एनिमल्स. क्लियर, यानी ये कहाँ से मिलता है, शिप होता है या फिर कुछ अदर एनिमल्स होते हैं लाइक गोट वगैरह होती हैं एंड कैमल्स होते हैं. ठीक है, तो उनके हेयर से ये डिराइव होता है. ठीक है, अब बेटा देखेंगे कि रिमूविंग द वूल फ्रॉम शिप, यानी शिप से वूल को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो हम करते हैं क्लिपर्स के थ्रू. ठीक है, एक मशीन होती है क्लिपर, उसके थ्रू करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज शियरिंग. क्लियर, और ये प्रोसेस क्या होता है, शियरिंग कहलाता है. ठीक है, आफ्टर शियरिंग यानी कि आफ्टर रिमूविंग द वूल फ्रॉम शिप. ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बेल्स में पैक करते हैं. बेल्स में पैक करने का मतलब बेटा कि एक गट्ठर बनाना या फिर एक बंडल बनाना. ठीक है, इसको हम लोग पैक करते हैं एंड इसे हम क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेसेस के लिए हम लोग मिल्स में सेंड कर देते हैं. क्लियर, जब ये मिल में पहुंचता है वहाँ पे क्या होता है बेटा, पहली चीज़ होती है इसकी क्लीनिंग होती है एंड आफ्टर क्लीनिंग हम लोग इसे सेपरेट करते हैं. ठीक है, सेपरेट क्या करते हैं, जब हम हेयर को रिमूव करते हैं. ठीक है, जो शिप का हेयर होता है या किसी अदर एनिमल का हेयर है, जब हमने उसको उसकी बॉडी से रिमूव किया तो उसके बाद क्या होता है बेटा, उसमें कुछ यूज़फुल जो होते हैं, मोस्टली तो यूज़फुल होते हैं बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी फाइबर, ऐसे भी हेयर्स होते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं. ठीक है, तो हम उसको सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं. ठीक है, तो ये सेपरेशन जो होता है बेटा ये कॉम्बिंग के प्रोसेस से होता है. ठीक है, और जब सेपरेशन हो जाता है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे स्पन करते हैं फाइबर्स के फॉर्म में. क्लियर, नेक्स्ट, अब फाइबर्स जब हमारा प्रिपेयर हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो इस फाइबर को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं. किस प्रोसेस से कन्वर्ट करते हैं, तो एक वीविंग होता है और दूसरा नेटिंग होता है. क्लियर, अब वीविंग और नेटिंग ये दोनों प्रोसेसेस क्या हैं, डिफरेंट हैं. वीविंग में क्या होता है कि एक सिंगल यार्न का हम लोग यूज़ करते हैं, सॉरी नेटिंग में, बट वीविंग में हम लोग क्या करते हैं, दो सेट्स यूज होते हैं. ठीक है, तो नेटिंग और वीविंग में यही डिफरेंस होता है कि नेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल यार्न का यूज करते हैं, जबकि वीविंग में क्या करते हैं, टू सेट्स ऑफ यार्न्स इज बीइंग यूज्ड. गॉट इट? नाउ अब क्या है कि वूल फैब्रिक हमारे लिए फायदेमंद क्यों है. ठीक है, कुछ एडवांटेजेस इसके देख लेते हैं. फर्स्ट है, इट इज़ फ्लफी एंड इट रिटेन्स एयर. बेटा ये फ्लफी होता है और ये क्या करता है, ये एयर को रिटेन करता है, ट्रैप करता है. ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो वुल, वुलन क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि उनके बीच में यानी दो फैब्रिक्स के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, दो फाइबर्स के बीच में. ठीक है, अब क्या है, तो उसमें ये क्या करता है, एयर को ट्रैप कर लेता है एंड वी ऑल नो दैट एयर जो है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, तो जब ये बैड कंडक्टर है तो ये क्या करते हैं, इट ऑल्सो रिटेन्स हीट. ठीक है, तो हमारी बॉडी से जो निकलने वाली हीट होती है बेटा, ये इसको क्लॉथ्स के बाहर यानी फैब्रिक के बाहर नहीं आने देता, ये ट्रैप करके रखता है, जिसकी वजह से ये हमें क्या करता है, ये वार्म रखता है, गर्म रखता है. क्लियर, एंड दैट्स वाई वी यूज वुलन क्लॉथ्स इन विंटर्स, और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स विंटर में यूज करते हैं. ठीक है, और इसका कुछ अदर यूजेस भी होते हैं बेटा,
लाइक इट इज ऑल्सो यूज फॉर कारपेटिंग फेल्ट एंड अपहोल्स्ट्री. क्लियर? यानी कारपेटिंग और अपहोल्स्ट्री के यूज में भी उल आता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वूल. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सिल्क. सिल्क भी क्या है? एक एनिमल फाइबर ही है. ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म. ये हमें किन से मिलता है? सिल्कवॉर्म से मिलता है. ठीक है, तो बेटा इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्कवॉर्म. ठीक है, कोकून्स क्या होते हैं? बात करेंगे कोकून्स के बारे में. फर्स्ट से, दीज आर फेड ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी ट्रीज. यानी ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कहाँ पे? अगर हम इनकी रियरिंग करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? लीव्स ऑफ द मलबरी ट्रीज पे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अ सिंगल वॉर्म स्पिन्स अ कंटिन्यूअस थ्रेड ऑफ अबाउट 800 मीटर्स लॉन्ग टू मेक अ कोकून. ठीक है, एक सिंगल वॉर्म जो होता है, यानी एक सिल्क वॉर्म क्या करता है? वो 800 मीटर्स लंबा एक जो थ्रेड है उसे प्रिपेयर करता है. ठीक है, टू फॉर्म कोकून. क्लियर? अब क्या बेटा, ये जो कोकून होता है इसको हम लोग बॉयल करते हैं. ठीक है, क्यों बॉयल करते हैं? टू किल द वॉर्म, यानी जो सिल्क वॉर्म है उसे किल करने के लिए. एंड आफ्टर दैट वी गेट और वी अनवाउंड द सिल्क फाइबर फ्रॉम दिस. क्लियर? नेक्स्ट है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म जो होता है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं सेरिकल्चर. रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म हम क्यों करते हैं? फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्यों यूज में आया, किस लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या है बेटा कि इट हैव अ सिमरिंग अपीयरेंस. यानी सिल्क जो फाइबर होता है, सिल्क फैब्रिक जो होता है, हम सभी लोग जानते हैं ये शाइनी होता है. ठीक है, तो इसका जो सिमरिंग अपीयरेंस है, इसकी वजह से ये हमारे बीच में ज़्यादा पॉपुलर है. एंड एज बीइंग अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, इट इज ऑल्सो कंफर्टेबल फॉर अस टू वियर. क्लियर? नेक्स्ट है, इसकी डिस्कवरी बेटा फर्स्ट कहाँ हुई थी? चाइना में. लेकिन ये चाइना से कहाँ पहुँचा? चाइना से इट रीच टू इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका. क्लियर? अब उसके बाद कुछ ऐसे रूट्स थे जो कि बहुत ही एक्सटेंस थे इनके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गए थे इन सिल्क के लिए. ठीक है, यानी वहाँ से क्या होता था, कुछ ऐसे रूट्स थे जहाँ से सिल्क का जो बिजनेस हो रहा था वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में हो रहा था. तो वो रूट्स कौन कौन से थे? लाइक द रूट्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया. एशिया और यूरोप के बीच का जो रूट था ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंस था, इसलिए इस रूट को हम लोगों ने नाम दिया सिल्क रूट. क्लियर है? एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट वूल. वूल क्या है बेटा, हमने सारी चीज़ें तो जान ली लेकिन एक चीज़ हमने छोड़ दिया, वो क्या था कि इसका वूल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता कहाँ पे? ठीक है, तो हम लोग जान ले कि वूल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, यानी टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इज़ ऑस्ट्रेलिया. क्लियर? एंड इट इज़ बीइंग फॉलोड बाय न्यूजीलैंड एंड चाइना. क्लियर रहेगा? यानी पहले पोजीशन पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, देन न्यूजीलैंड, देन चाइना. एंड आवर कंट्री इंडिया इज ऑल्सो एमंग द टॉप 10 प्रोड्यूसर्स ऑफ वूल. गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.